दोस्तों योनो SBI से कोई सा ट्रांजेक्शन करते टाइम, किसी को पैसा भेजते टाइम, बिल पेमेंट करते टाइम या रिचार्ज करते टाइम बहुत से लोगों का जो है अकाउंट शो नहीं होते रहता है। अकाउंट का जो 4 डिजिट होता है लास्ट का वो शो नहीं कर रहा था। बहुत से लोगों का जो है अकाउंट एक्सपायर दिखा रहा था या ट्रांजेक्शन राइट, मतलब कि वो जो पैसा भेज रहे थे तो उनके अकाउंट पे शो हो रहा था जो आपका ट्रांजेक्शन राइट खत्म हो चुका है। तो आज के वीडियो में हम आपको इसी का सोल्यूशन बताने वाले हैं, तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है और अगर वीडियो से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो वीडियो को एक लाइक करके ऐसे ही और वीडियोज के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोई सा भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स खाली है, आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पे देख सकते हैं अपना योनो का ऐप जो है ओपन कर लिया। ऐप ओपन करने के बाद यहां पे क्या करना है, आपको अपना एमपिन डाल के लॉगिन कर लेना है सबसे पहले। तो चलिए हम यहां पे एमपिन फिल कर लेते हैं। एमपिन फिल करते टाइम एक चीज आपको ध्यान देना है, यहां पे जो आप नंबर देख रहे हैं ये बदलते रहता है, मतलब कि कभी आपको यहां पे 9 देखने को मिल जाएगा तो कभी यहां पे। तो आपको क्या करना है, इसको केयरफुली फिल करना है, हड़बड़ाहट में फिल नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही आप गलत पिन फिल करिएगा आपके रजिस्टर्ड नंबर पे तुरंत एक ओटीपी आ जाएगा और 3 टाइम गलत पिन फिल करने के बाद आपका जो ये ऐप है वो एक दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा, आप 24 आवर के बाद ही इसको ओपन कर पाएगा। तो आपको ये पिन थोड़ा सावधानी पूर्वक फिल करना है। तो चलिए हम अपना पिन सबसे पहले यहाँ पे फिल कर लेते हैं। पिन फिल होने के बाद देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो चुका है। दोस्तों ट्रांजेक्शन करते टाइम आपका अकाउंट नहीं दिख रहा है, अकाउंट सस्पेंडेड दिखा रहा है या आपका जो ट्रांजेक्शन का लिमिट है वो खत्म दिखा रहा है, मतलब कि वो ओवर हो चुका है, ऐसा कुछ दिखा रहा है। तो उसका पूरा जो डिटेल्स में सोल्यूशन हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 लाइन का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक सर्विस एंड रिक्वेस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे नीचे में भी आपको सर्विस एंड रिक्वेस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आप दोनों में से किसी भी जगह पे सर्विस एंड रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे एक सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, सेटिंग INV पासवर्ड करके, आपको सिंपली सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको व्यू MMID सेट MPIN रीसेट इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड, मतलब कि यदि आप अपना इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड भूल जाए तो यहाँ से आप इसको रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रीसेट प्रोफाइल पासवर्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस सभी के अलावा यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक मैनेज ट्रांजेक्शन राइट, यहाँ पे देख सकते हैं एक मैनेज ट्रांजेक्शन राइट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको क्या करना है, सिंपली मैनेज ट्रांजेक्शन राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस ड्रॉप डाउन वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। ड्रॉप डाउन वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी अकाउंट होगा उस अकाउंट का 4 डिजिट देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ से आपको अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। हो सकता है यदि आपके मोबाइल नंबर से 3 अकाउंट रजिस्टर्ड हो तो यहाँ पे आपको 3 अकाउंट देखने को मिलेगा। तो जो भी अकाउंट आपको सेलेक्ट करना है वो अकाउंट आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम इस अकाउंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट नंबर देखने को मिलेगा। जैसे ही इस आई वाले बटन पे आप क्लिक करिएगा आपका पूरा अकाउंट नंबर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अभी जो है यहाँ पे सिर्फ आपको 4 डिजिट ही देखने को मिल रहा होगा। इसके अलावा देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन राइट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो क्या होता है, बहुत से लोगों का ट्रांजेक्शन करते टाइम में ट्रांजेक्शन लिमिट जो होता है वो एक्सपायर दिखाता है, मतलब कि जब वो ट्रांजेक्शन करने जाते हैं तो वहां पे उसको दिखाता है कि आपका ट्रांजेक्शन लिमिट समाप्त हो चुका है। या बहुत से लोगों का जो है अकाउंट का 4 डिजिट जो है ट्रांजेक्शन करते टाइम में वो शो नहीं होता है, मतलब जिस अकाउंट से पैसा कटेगा उस अकाउंट का 4 डिजिट शो नहीं होता है। या बहुत से लोगों में जो होता है पैसा भेजते टाइम या कोई सा भी पेमेंट करते टाइम ट्रांजेक्शन करते टाइम दिखाता है जो आपका अकाउंट ही वैलिड नहीं है, तो ऐसा इस ट्रांजेक्शन राइट की वजह से भी हो सकता है। बहुत से लोग क्या करते हैं लॉगिन करते टाइम में सही तरीके से लॉगिन नहीं करते हैं और यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन राइट है उसको ट्रांजेक्शन राइट को चूज करते टाइम में वो कुछ गड़बड़ी कर देते हैं, जिसके कारण उनका जो ये सभी दिक्कत आता है अकाउंट इनवैलिड करके या ट्रांजेक्शन के समय अकाउंट नहीं दिखना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड, जो भी आपका इंटरनेट बैंकिंग का प्रोफाइल पासवर्ड होगा वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। यदि आपको आपका प्रोफाइल पासवर्ड नहीं पता है तो उसको आप कैसे रिसेट कर सकते हैं या कैसे पता कर सकते हैं, यह अगर आपको जानना है तो इस वीडियो पे कमेंट करिए, उस पर भी आपको वीडियो मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे अपना इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड जो है वो फिल कर लिया। अब हमें क्या करना है, सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपके अकाउंट का जो है 4 डिजिट देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप इस आई वाले बटन पे क्लिक करिएगा आपके अकाउंट का पूरा डिजिट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं एक ट्रांजेक्शन लिमिट का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, ट्रांजेक्शन राइट। योनो SBI में रजिस्टर करते टाइम में आपने गलती क्या होगा, इस ट्रांजेक्शन राइट को ओनली व्यू राइट पे या लिमिट ट्रांजेक्शन राइट पे ही क्लिक करके छोड़ दिया होगा, जिसके कारण आप कुछ लिमिट ट्रांजेक्शन ही कर पाते, जैसे 4, 5 या 10 ट्रांजेक्शन करने के बाद आपका ट्रांजेक्शन लिमिट समाप्त हो जाता है।
तो हो सकता है इस कारण से आपका ट्रांजेक्शन नहीं हो पाता होगा, या इस कारण से भी आपका जो अकाउंट का 4 डिजिट है वो शो नहीं करता होगा, या आपका अकाउंट जो है इनवैलिड बताता होगा। तो आपको यहाँ से क्या करना है, फुल ट्रांजेक्शन राइट को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे एक बॉक्स की तरह आपको देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको सिंपली क्लिक करके इसको कन्फर्म कर देना है। पहले देख सकते हैं हमारा जो है ये पहले से ही चूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पे कन्फर्म का ऑप्शन नहीं आया है। तो यदि आपका लिमिट ट्रांजेक्शन राइट या ओनली व्यू ट्रांजेक्शन राइट इस दोनों में से किसी एक पे होगा, तो आपको फुल ट्रांजेक्शन राइट पे क्लिक करके आपको यहाँ से कन्फर्म कर देना है। देन आपका प्रॉब्लम जो है 80% का चांस है जो सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा भी यदि आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको यहाँ पे जो वीडियो दिख रहा है ये वीडियो आपको देख लेना है। इस वीडियो में हम इसका फुल प्रोसेस बताएं जो कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इससे भी यदि आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आप वीडियो पे कमेंट करिए, इसका आपको दूसरा सॉल्यूशन बताया जाएगा, या हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और यदि आपको योनो से जुड़ी कोई और भी समस्या हो तो आपको यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस दिख रहे होंगे, ये वीडियो आपको दिख लेना है। ये वीडियो जो है हम एंड स्क्रीन पे डाल देंगे या आई बटन से भी आप देख सकते हैं। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना है, और इस वीडियो से हेल्प मिली तो इस वीडियो को एक लाइक करके कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।